समझ में नहीं आता क्या हो गया इस बच्चे को। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से किसी ओझा या झाड़ फूक करने वाले मौलवी को बुलाओ। जी माँ। और अब जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ करे जी। इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ जी। और वहीं बैठे रहना, इसे कहीं जाने न देना। जी अच्छा। कहाँ ले जा रहे हो? इसे जाने दे। तो क्या ये इच्छाधारी नाग नहीं है? ये प्रतिरूप है उसका, ये उसका हम शक्ल है। हम शक्ल? इस हरामी की सूरत की वजह से मैं धोखा खा गया। मैं इसे जिंदा धोखा आपको हुआ है, इसमें इस मासूम का क्या कसूर? अरे चल हट। मैं इसकी हत्या होने नहीं दूंगी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपनी औलाद समझ कर पालूंगी। तू पालेगी? पता नहीं ये किसकी औलाद है। कौन है मैं? कौन? कुछ नहीं। लगता है चोट लगने से अपनी पिछली जिंदगी भूल गया। तो अच्छा ही हुआ, अभी हमें ही अपने माँ बाप समझेगा। आ बेटे, उठ बेटे। ओ मेरे बच्चे, मत रो मेरे लाल, मत रो, चुप हो जा। बेटा जी, आज मैं बहुत थक गया। हाँ बाबा, बड़ा मनहूस दिन था, एक पैसा भी नहीं मिला। जी इस जंगल में ही बची बेटी, इस पहाड़ी पर ऐसी सुनसान रात में तू अकेले क्या कर रही है? मेले में मेरा साथी बिछड़ गया, उसी को ढूंढ रही हूँ। देखो रात बहुत हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, हो सकता है तुम्हारा साथी भी घर पहुँच गया हो। हाँ बेटी। मेरा कोई घरवर नहीं है। बेटी कोई तो होगा। नहीं, उस साथी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो मेरी बहना, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथी को ढूंढ देंगे। मैं उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद ना करो बहना, रात को अकेला तेरा जंगल में रहना ठीक नहीं। वो जरूर रास्ता भटककर किसी के साथ आसपास के गांव में चला गया होगा। हा? बेटी हम बंजारे हैं, गांव गांव नगर नगर गा बजाकर अपना गुजारा करते हैं। तू हमारे साथ चल, ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा बिछड़ा हुआ साथी जरूर मिल जाएगा। तो कोई नहीं है, कहाँ गया कमल? खोटे, कमल कहाँ है? कमल, अरे यहाँ नहीं है सर जी, हमने आप ढाकर
बाहर से ताला लगाकर पहरा दे रहे थे। पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सो रहे थे। जाकर ढूंढो उसे, यही कहीं छुपा होगा शैतान। हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा कमल? मालकिन, घर का कोना कोना छानवा रहा लेकिन छोटे से कहा कहीं नहीं। कहीं नहीं तो कहाँ गया मेरा बेटा? आप लोग कहीं से भी उसे ढूंढ कर लेके आओ। मालकिन, मालकिन नहीं, चोबा 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 भगवान, ये किस जुर्म की सजा दी है हमें? कमल कहाँ है? कमल का कुछ पता चला? छोटे मालिक, छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए अंदर चलिए। सरकार, ये रहे छोटे सरकार। कमल बेटा, कहाँ चला गया था रे तू? देख, तेरी जुदाई ने तेरी माँ की क्या हालत कर दी। सदा के लिए अपाहिज हो गई। अपनी माँ को आवाज दे बेटे, बुलाओ इसे, पुकारो माँ को, पुकारो। माँ, शोभा आंखें खोलो, तुम्हारा बेटा आवाज दे रहा है। पुकारो, अपनी माँ को पुकारो। माँ, आंखें खोलो माँ। कमल, मेरे लाल, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? कसम का कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तू चुप क्यों है? मुझे वचन दे कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू बोलता क्यों नहीं? जब तक इस दुखियारी माँ को इसका बेटा नहीं मिल जाता, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोल, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा? मैं वचन देता हूँ माँ कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कमल, ये तेरी क्या आदत है? कभी एक दिन के लिए गायब, कभी दस दिन के लिए गायब, बिना बताए कहीं भी चले जाते हो। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? कुछ नहीं बाबूजी। महाकाली, दया करो। केवल 6 महीने रह गए हैं, उसके पश्चात तेरे शरीर का एक एक अंग जल गल के गिरेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़किए गुरुदेव। चलिए खाना खा लीजिए। यहाँ मेरे सर पर बहुत मंडरा रही है और तुझे खाने की सूझ रही है। बापू, 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 जंगल के सारे सांपों को पकड़ कर लाया हूँ। इसमें जरूर वो इच्छाधारी नाग नागिन होंगे, देख लो। हेलो बापू। बेवकूफ, जंगली सांपों को पकड़ कर लाया है। इच्छाधारी नाग को तलाश करना तेरे बस की बात नहीं है। तू सिर्फ अपना हमशकल तलाश कर, अपना हमशकल। वो जहाँ भी है तेरे भेष में रह रहा है। दोस्त, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। गुरुदेव, बंद करिए अपनी चोच, वरना हमारे बीच में जो मर्यादा की दीवार है वो टूट जाएगी। ये रही तुम्हारी भाभी, जिससे मिलने के लिए तुम बेचैन थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आपकी बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, पर कुछ ऐसी मजबूरी थी कि चाहकर भी नहीं आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये कमल है ना? हाँ। बेटे, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? ये तो तुम्हारे दिलीप अंकल हैं, तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त। जाओ, इनके पांव छुओ। जी। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे, दुनिया में हर चीज मिल जाती है और संस्कार कभी नहीं मिलते। अभी इसे पहचानती हैं? अरे, ये रूप है ना, कितनी बड़ी हो गई। हाय आंटी। बेटे, ये अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। यहाँ बड़ों के झुककर पैर छुए जाते हैं। चलो झुककर पैर छुओ, चलो। जीती रहो बेटी।